पूर्वांचल में अभी इंसेफ्लाइटिस ने अपना कहर बरपाना बंद नहीं किया कि डेंगू ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे के मुताबिक करीब पूरा गोरखपुर शहर ही डेंगू के लार्वा से पटा पड़ा है। गलियों और घरों में भारी मात्रा में लार्वा मिले हैं। अफसरों की नींद उड़ गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो खुद ही भी सतर्क रहें और बीमारी से निपटने में सहयोग करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीते दो हफ्ते में शहर की लगभग सभी मुख्य जगहों के साथ मोहल्लों तक का सर्वे किया। रोडवेज के राप्ती नगर डिपो में रखे कुल टायरों में से 67% में डेंगू के लार्वा मिले। इस तरह कई रखे टायरों में भी डेंगू के लार्वा की भरमार मिली। कई मोहल्लों के घरों और कूलरों तक में लार्वा ने डेरा जमा रखा है। हद तो तब हो गई जब जिले में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सीएमओ के कार्यालय के छत पर भी लार्वा मिला। पूरे मंडल में 258 लोगों को वेक्टर जनित बीमारियों के कारकों मच्छरों के लार्वा पहचानने और उन पर काबू करने के लिए प्रशिक्षित किया जा चुका है। गोरखपुर के दो लोगों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। वहीं डॉक्टरों की सलाह है कि इसके लार्वा को देखकर पहचान सकते हैं। लार्वा कूलर, गमले, बोतल, ढक्कन, टिन और टायर में एकत्र पानी में पाए जाते हैं। इनका रंग सफेदी लिए होता है। पंजाब के सी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह।